आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, वात्सल्यता है, आपकी करुणा है। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है, शिव महापुराण में वो बल है। आप उसका स्मरण करिए, आप उस रस तत्व को धारण करिए, आप उस भक्ति को धारण करिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुभ सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें, और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए आप। मैं आरती शुक्ला कानपुर से हूं, गुमरी नंबर 5, गुमठी नंबर 5। भोले बाबा की भक्ति का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण कर रही होंगी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुदेव। 2021 में मेरा लड़का दोस्तों की संगत में आ गया और 302 में अंदर चले गया, जेल गया। 11 महीने वो अंदर रहा जेल। गुरुदेव, मैं क्या बखान करूं, उसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करा पर वो उसकी रिहाई नहीं हुई। तभी पता चला कि एक कागज अगर मिल जाए, जो कागज अदालत में मांगा गया है और 15 दिन दिए गए, अगर वो कागज मिल जाता है तो मेरा बच्चा छूट सकता है।
अब उस कागज को पाने के लिए हमने पूरी मशक्कत कर दी, पर वो कागज नहीं मिला गुरुदेव। हम सब लोग उम्मीद छोड़ दिए, लेकिन तभी आपका बताया गया एक बेलपत्र, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग हमने करना प्रारंभ कर दिया। केवल एक बार उस बेलपत्री की सोमवार अष्टमी का भाव था और समर्पित किया। बाबा की कृपा से 20 मिनट बाबा का जाप किया। गुरुदेव, मेरी बेटी का फोन आ गया कि भाई रिहा हो गया। ये शिव है, ये शिव है, ये शंकर है। बैठिए, कहीं खड़े हो तो बैठ जाइए। ये ओघरदानी है, इसका प्रयोग के ये बेलपत्र वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए हैं, जल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, चावल भी वही है जिसको आप हमेशा चढ़ाते आए, गुलाब की पंखड़ी भी वही है जिसको आप चढ़ाते आए, जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सांस चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो सास भी आंवले की पूजन करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान, भगवान की पूजन सास भी करती थी, तो हम भी कर रहे हैं। वो भी दो अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, दो अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है, वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रख कर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहां से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं जब चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागरूकता, अब विश्वास की प्रबलता आ गई, अब विश्वास जागृत हो गया, भरोसा दृढ़ हो गया। और जब भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास जागृत हुआ, तब परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। और अच्छे से समझो इस बात को, हमने शिव पर विश्वास नहीं करा तब तक ये मन भटकता रहा। किसी ने बताया वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा। अपन भटकते रहे। कोई कहता काल सर्प दोष है, कोई कहता वास्तु दोष है, कोई कहता पितृ दोष है, कोई कहता ये दोष है, कोई कहता वह दोष है। हमने जिंदगी भर सारे दोष निकाले, पर हम ये नहीं निकाले कि हमारे कर्म में क्या दोष है। हमने वास्तु दोष की पूजन कराई, पितृ दोष की पूजन कराई, काल सर्प दोष की पूजन कराई, पर अपना दोष भी तो मिटाओ कि हम पूर्व में जो कर कर आए हैं वो कटेगा कैसे। मकान का सीढ़ियां यहां से बनाओ, बाथरूम तोड़ो यहां से बनाओ, रसोई घर उधर बनाओ, हमने पूरा तोड़ दिया उसके बाद भी सुख नहीं आया। हमने चार बार जाकर पितरों की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया, हमने काल सर्प दोष की पूजन करा दी तो भी सुख नहीं आया। फिर वो सुख क्यों नहीं मिल रहा? उसका एक कारण है, ये सब दोष तो बाद में है, पहले हमने पूर्व में जो कर्म करा था, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कष्ट दिया होगा, वो दोष जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है वो कोई पूजन से नहीं कटेगा। बस केवल कटेगा तो आपके भजन से कटेगा। आप करो भगवान की भक्ति, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना कीर्तन करोगे, आपको स्वयं को करना पड़ेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भराएगा, ये खाएंगे इनका पेट भराएगा, आप खाओगे आपका पेट भराएगा। भगवान की पूजन में तुम्हारा टच चल सकता है। पति पूजन करेगा, पत्नी टच करके बैठी रहेगी, ये तुम्हारी भगवान के पूजन में चल सकता है, पर कर्म काटने में टच नहीं चलता। कर्म काटने में टच नहीं चलेगा।
कर्म काटने में हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, वो स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, वो स्वयं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। हां, अगर शरीर से नहीं उठ पा रहे हो तब घर में बच्चों से कहो मेरे मंदिर चले जा, थोड़ा सा पानी लिया शिव जी को चढ़ाकर, घर से लेकर जाना जल शंकर को चढ़ाना, उसी कलश में थोड़ा सा लेकर आ जाना, थोड़ा सा लेकर आना। हम क्यों कहते हैं कि जिस लोटे को घर से लेकर जाओ, पानी भर कर लेकर जाओ, उसको मंदिर से खाली मत लाओ, शिव जी का चढ़ा हुआ जल भरे दो बूंद लेकर आओ, पर लेकर आओ, क्यों कहते हैं? उसका कारण होता है, जब तुम मंदिर पे जल चढ़ाकर खाली लोटा लेकर आती हो, कोई अच्छे शुभ कार्य के लिए जा रहा होता है तो आप खाली लोटा लेकर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कहीं दोष उत्पन्न ना हो जाए। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, आप जल चढ़ाकर लोटा जब लाओ उसमें दो बूंद भी अगर जल होगा तो तुम्हारा मुख देखकर अगर कोई कार्य के लिए निकल भी गया तो उसका कार्य सफल हो जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आ पा रहे हो, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है या उसकी चौखट का दीदार कर दर्शन कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती, वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है।